दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, सुप्रभात। मैं विनीत राठौर, आपने यूट्यूब चैनल राठौर साइंस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। और TGT PGD की तैयारी से हम लोग जुड़े हुए हैं और आज हम लोग बात करेंगे एल्गी की, जिसे हम लोग सामान्य भाषा में सवाल भी कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लगभग 200 से 250 क्वेश्चन के बीच हम लोग एल्गी की देखेंगे। इसके अलावा इन 200-250 क्वेश्चन के अलावा और कहीं क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना नहीं है। तो वीडियो पे आज वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब लाइक दोनों ज़रूर करिएगा। चलिए दोस्तों बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले चीज़ आपको बता दें, यदि आपको जिम्नोस्पर्म, उसके पहले ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, बैक्टीरिया, वायरस, रेस्पायरेशन, इससे संबंधित कई सारे वीडियो हमने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है। आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं, तो उसका लाभ ले सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बोथ क्लोरोफाइटा ग्रीन एल्गी, क्लोरोफाइटा में कौन सी एल्गी आती है, ग्रीन एल्गी क्यों? क्योंकि क्लोरोफाइटा में देखिए क्लोरोफिल पिगमेंट होता है और इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट ए बी दोनों होता है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोफाइटा ग्रीन एल्गी। एंड प्लांट शेयर द फॉलोइंग करेक्टर, ग्रीन एल्गी और प्लांट दोनों में कौन से करेक्टर जो एकदम सेम है? तो आपके पास चार ऑप्शन है, सेलुलोज इन द सेल वॉल, ग्राना इन द क्लोरोप्लास्ट, स्टार्च एज अ स्टोरेज फ्यूल एंड आल देवअप। तो आपको यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, आल देवअप, क्योंकि प्लांट में सेलुलोज भी होता है तो एल्गी में सेलुलोज भी होता है, क्लोरोप्लास्ट में ग्राना होता है दोनों में, और स्टार्च दोनों का फूड मटेरियल होता है, डीजल फूड मटेरियल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, पायरेनोइड इज फाउंड इन वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली ऑफ स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा के किस ऑर्गेनेली में पायरेनोइड्स पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में, वैक्यूल में, माइटोकॉन्ड्रियन में एंड क्लोरोप्लास्ट में। तो क्वेश्चन नंबर दो का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट में। याद रखिएगा जो पायरेनोइड होते हैं स्पायरोगायरा में, ये यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं और ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट कराने में हेल्प करते हैं, फोटोसिंथेसिस में। क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्पायरोगायरा इज ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट स्पायरोगायरा के लिए ट्रू है? देखिए तो आपके पास दो ऑप्शन यहाँ पे दो हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन बाय जोइस्पोर, ट्रू पूछ रहा है, ठीक है, फिलामेंटस सोइंग स्क्लेरीफॉर्म कंजुगेशन एज होमोथैलिक, फिलामेंटस सोइंग लेटरल कंजुगेशन आर होमोथैलिक एंड फिलामेंट्स सोइंग लेटरल कंजुगेशन आर हेट्रोथैलिक। तो याद रखिएगा हेट्रोथैलिक यहाँ पे कंजुगेशन नहीं होता है, तो यहाँ ये गलत हो जाएगा। राइट आंसर होगा आपका फोर का, सी सही है वहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन थर्ड का। क्वेश्चन नंबर फोर है दोस्तों, मोस्ट ब्राउन एल्गी लिव इन, यहाँ रखिएगा ब्राउन एल्गी मोस्ट कहाँ पर जाती हैं, फ्रेश वाटर स्ट्रीम में, फ्रेश वाटर लेक्स में, कूल कोस्टल वाटर्स ऑफ ओशन में, वार्म कोस्टल वाटर ऑफ ओशन में। क्वेश्चन नंबर फोर का राइट आंसर क्या होगा, कूल कोस्टल वाटर ऑफ ओशन, है ना, वो ओशन के वो वाला हिस्सा जहाँ पे ठंडक होता है उसका कोस्टल एरिया, वहाँ पे ब्राउन एल्गी पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, रेड एल्गी डिफर फ्रॉम द ग्रीन एल्गी एंड ब्राउन एल्गी इन हैविंग, रेड एल्गी ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी से डिफरेंट होती क्यों, नो क्लोरोफिल ए, नो डिफ्रेंशिएटेड सेल, नो फ्लैजलेटेड स्टेज इन दियर लाइफ साइकिल, हीमोग्लोबिन विद इन दियर सेल। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का राइट आंसर हो जाएगा नो फ्लैजलेटेड स्टेज इन दियर लाइफ साइकिल, जबकि आप जानते हैं ग्रीन एल्गी में और ब्राउन एल्गी में दोनों में फ्लैजलेटेड स्टेज पाई जाती है, और खासकर जब उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप देखेंगे तो जो उसमें एप्लानोस्पोर होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे तो जो आपको आइसोगैमस होगा, तो आइसोगैमस में जो भी यहाँ पे स्पोर्स पाए जाते हैं उसमें एक फ्लैजला होता है, किसी किसी में दो फ्लैजला होता है, किसी में दोनों साइड में फ्लैजला होते हैं ना इसके एंटी साइड में। तो आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नो फ्लैजलेटेड स्टेज इन दियर लाइफ साइकिल। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेस्ड इन प्रोकैरियोट, इसमें से कौन है जिसे प्रोकैरियोट में प्लेस किया जाता है, साइनोफाइसी को, क्लोरोफाइसी को, पियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। तो रखिएगा दोस्तों ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, छठवें का ए सही हो जाएगा, साइनोफाइसी, क्योंकि साइनोफाइसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। और याद रखिए इसमें साइनोबैक्टीरिया होते हैं, और साइनोबैक्टीरिया और साइनोफाइसी में होता क्या है
कि जो भी एनिमल इसमें जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है साइनोफाइसी में जो भी एल्गा है उसमें जो करेक्टर होते हैं वो करेक्टरिस्टिक होते हैं वो प्रोकैरियोटिक करेक्टरिस्टिक होते हैं, यूकेरियोट में होते हैं, जबकि क्लोरोफाइसी, रोटोफाइसी एंड फियोफाइसी। तो आप ये देखिए ये सब क्या है, ये तीनों शैवाल किस में आते हैं, यूकेरियोटिक सेल में आ जाते हैं। तो आपका राइट आंसर छठवें का सी ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेवेंथ है विच वन इज कॉमनली नोन एज पॉन्ड सिल्क। पॉन्ड सिल्क किसको कहते हैं, यूलोथ्रिस को, स्पायरोगायरा को, चारा को या बैट्रा को, स्पर्म को। तो आपके यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पायरोगायरा को हम लोग क्या कहते हैं, पॉन्ड सिल्क भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आठ में दोस्तों, एगर एगर इज ऑब्टेंड फ्रॉम, एगर एगर किससे मिलता है, ग्रेसलेरिया से, क्लोरेला से, चारा से, सार्गेसम से। तो क्वेश्चन नंबर आठवें का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेसलेरिया से। ग्रेसलेरिया से हमको एगर एगर प्राप्त होता है या फिर जिलेटिनम से भी प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर नौवां है द प्रिंसिपल पिगमेंट ऑफ फियोफाइसी, इसके बाद कह रहा है फियोफाइसी इम्पार्टिंग डिस्टिंक्टिव ब्राउन और ओलिव कलर। ये ब्राउन और ओलिव कलर की बात कर रहा है, ओलिव ब्राउन कलरेशन का। द थैलस स्थैलस क्या होगा, सिफेनो जैंथिन होगा, फ्यूकोजैंथिन होगा, फ्लेवोजैंथिन होगा और फियोसिर फाइकोएथ्रिन होगा। क्वेश्चन नंबर नौवे का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्यूकोजैंथिन होता है, इसलिए उसका कलर क्या हो जाता है, ब्राउन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर टेन है इन क्लोरोफाइसी फ्लैजलार, क्लोरोफाइसी में जो फ्लैजला होता है वो होता है विपलैश टाइप होता है, टेंसल टाइप होता है, बेसल टेंसल एंड एपिकल विपलैश टाइप होता है, यूजली एबसेंट होता है। क्वेश्चन नंबर दसवें का राइट आंसर होगा ये विपलैश टाइप का होता है, क्लोरोफाइसी का जो फ्लैजला होता है। क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ है फ्यूजन ऑफ मैच्योर इंडिविजुअल, फ्यूजन ऑफ किसका, मैच्योर इंडिविजुअल, विच डायरेक्टली एक्ट एज गैमिट इज कॉल्ड, जो दोनों गैमिट की तरह कार्य करते हैं उसको क्या कहते हैं, आइसोगैमी, होलोगैमी, ऑटोगैमी एंड कंजुगेशन। क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ का राइट आंसर क्या होगा, इट्स अ होलोगैमी। होलो मतलब क्या होता है कि जो इंडिविजुअल होते हैं, होल मतलब होता है कंप्लीट। तो जैसे मान लीजिए स्पायरो वगैरह कोई या आपका ये इंडिविजुअल है ये कंप्लीट है तो जाके दूसरे से मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कंप्लीट कर रहे थे, होलोगैमी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है अ मोटाइल फ्लैजलेटेड एसेक्सुअल सेल, इसमें मोटाइल फ्लैजलेटेड एसेक्सुअल सेल कौन सी है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जूस्पोर। जूस्पोर में क्या होता है, इसमें फ्लैजला जरूर फ्लैजला प्रेजेंट होता है। जैसे मान लो ये आपका अगर हो गया स्पोर तो यहाँ पे क्या है, फ्लैजला निकला होगा और इस तरह से ये बना होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 13, द फॉलोइंग पार्ट ऑफ एन एल्गल सेल इज अलाइव, जो एल्गल सेल का पार्ट होता है वो अलाइव कौन सा है, सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल एंड स्टार्च। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट। अगर ये अलाइव नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है। और एल्गी है तो एल्गी क्या है, एल्गा में ये ऑटो जो जितने भी एल्गी होते हैं दोस्तों वो ऑटो ट्रॉप होते हैं, अर्थात अपना फूड मटेरियल खुद बनाते हैं, लेकिन कुछ एल्गी को छोड़कर, कुछ एल्गी एपीफाइट्स भी होते हैं। इन ओडोगोनियम द एंडोस्पोर ऑलवेज जर्मिनेट, ओडोगोनियम का जो एंडोस्पोर होता है वो हमेशा जर्मिनेट करता है कहाँ, ऑन द ओगोनियम में, ऑन द सेफलेटरी में, सेफलेटरी सेल में, एनी वेयर क्लोज टू ओगोनियम, फ्री इन वाटर। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एनी वेयर क्लोज टू द ओगोनियम, ओगोनियम ओगोनियम के पास में कहीं भी जर्मिनेट करेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है ओगैमस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज सीन, ओगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन किस में सीन होता है, जिग्नेमा में, क्लेडोफोरा, क्लोरेला एंड वाउचेरिया। क्वेश्चन 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वाउचेरिया में ये सीन होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 16, इन एक्टोकार्पस इफ अ प्लांट बियर्स बोथ यूनिलोकुलर एंड प्लूरीलोकुलर स्पोरेंज, यदि कोई प्लांट ऐसा एक्टोकार्पस जो दोनों रखता है यूनिलोकुलर और प्लूरीलोकुलर को, तो क्या होगा, इट इज अ गैमेटोफिटिक बॉडी, इट इज सैप्रोफिटिक फॉर स्पोरोफिटिक बॉडी, कैन नॉट बी सेड टिल द जूस्पोर्स जर्मिनेट आइदर इन द गैमेटोफिटिक और अ सैप्रोफिटिक। क्वेश्चन 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इट्स अ स्पोरोफिटिक बॉडी, और स्पोरोफिटिक बॉडी हमेशा देखिएगा ये 2N लेके चलता है, अर्थात इसमें यूनिलोकुलर और प्लूरीलोकुलर दोनों पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, इन एक्टोकार्पस ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द मेल गैमिट अटैच देमसेल्व टू द फीमेल गैमिट, मेल गैमिट अटैच करते हैं अपने को फीमेल गैमिट से बाय द एंटीरियर फ्लैजलम विच इज लॉन्ग एंड विप्लेस, जो एंटीरियर फ्लैजलम होता है वो क्या होता है,
लॉन्ग एंड विपलैस, लॉन्ग एंड टेंसल, शॉर्ट एंड विपलैस, शॉर्ट एंड टेंसल। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 17 का ए सही हो जाएगा, लॉन्ग एंड विपलैस। क्वेश्चन नंबर 18 है, द यूनिलोकुलर स्पोरेंजियम इज कॉल्ड सो बिकॉज इट हैज ओनली। जो यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया होता है वो क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसके पास वन जियोस्पोर, हैप्लॉयड जियोस्पोर, वन चैम्बर, वन माइटोटिक डिवीजन होता है। तो क्वेश्चन 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, इसमें केवल एक चैम्बर होता है इसलिए इसे यूनिलोकुलर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों 19, इन द लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस म्यूसिस अकर। एक्टोकार्पस की लाइफ साइकिल में जो म्यूसिस होती है वो कब होती है, ड्यूरिंग जो स्पोर फॉर्मेशन इन प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया, जो स्पोर फॉर्मेशन इन यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया, गैमिट फॉर्मेशन इन द गैमिटेंजिया एंड जमिनेशन ऑफ द जाइगोट। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, जो स्पोर फॉर्मेशन इन यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया, इस केस पे क्या होगा, म्यूसिस डिवीजन होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, द एट न्यूक्लिएटेड उगोनियम ऑफ सर्गेसम एंड द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई दैट डेवलप इन टू एग्स। एट न्यूक्लिएटेड उगोनियम है सर्गेसम में, जो नंबर होगा न्यूक्लियाई वो कितना होगा जिससे वो जर्मिनेट। चार ऑप्शन है, ऑल द एट, वनली फोर, वनली वन एंड वेरिएबल इन नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वनली वन इन नंबर। क्वेश्चन 21 है, इन सर्गेसम द फर्टिलाइजेशन ऑफ द फीमेल गैमिट टेक्स प्लेस। सर्गेसम में जो फर्टिलाइजेशन होता है फीमेल गैमिट का वो कहाँ होता है, व्हेन एग इज, जब उसका जो एग होता है इन उगोनियम में होता है, इन वाटर में, इन साइड द कंसेप्टेकल स्टिल अटैच टू द प्लांट, आउटसाइड द कंसेप्टेकल स्टिल अटैच टू द प्लांट। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आउटसाइड द कंसेप्टिकल स्टिल अटैच टू द प्लांट, जब तक प्लांट के साथ अटैच होगा कंसेप्टिकल उसके बाहर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 होगा, इन सर्गेसम द पार्ट ऑफ द उगोनियम दैट फॉर्म द स्यूडो स्टाक एज। सर्गेसम में वो सा कौन सा पार्ट है जो उगोनियम का स्यूडो स्टाक बनाता है, एक्सोसाइट, मेजोसाइट, इंडोसाइट एंड स्टार्क सेल। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेजोसाइट। क्वेश्चन 23 है, इन एक्टोकार्पस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज सेड टू बी आइसोमार्फिक बिकॉज ऑफ द मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज बिटवीन द मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ऑप्शन नंबर बी है जू स्पोर ऑफ यूनिलोकुलर एंड प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया, ऑप्शन नंबर सी है गैमिट एंड जू स्पोर, ऑप्शन नंबर डी है गैमिटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गैमिटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। इट मीन्स जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है वो क्या होगा, उसमें दोनों हो गए गैमिटोफाइट और स्पोरोफाइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वॉलवॉक्स इज अ, याद रखिएगा दोस्तों वॉलवॉक्स क्या है, साइनो बैक्टीरिया। तो वॉलवॉक्स इज अ कोनोलियन फॉर्म, फिलामेंटस फॉर्म, पेनकाइमेटस फॉर्म एंड सिफेनेसियस फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 21 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोलोनियल फॉर्म होता है वॉलवॉक्स। और याद रखिएगा ये वॉलवॉक्स कहाँ मिलेगा आपको, वॉलवॉक्स कोलोराइड कोरोलॉइड रूट में भी पाया जाता है, वो भी साइकस के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 25, इन वोचेरिया प्लांट सॉरी दोस्तों यहाँ हमने वॉलवॉक्स बारे में जो बताया आपको वो कोलोनियल फॉर्म में पाया जाता है, ये आपका राइट आंसर यहाँ से होगा, लेकिन कोरेलॉयड रूट में वॉलवॉक्स ना होके क्या होता है, ये नॉस्टॉक होता है। क्या होता था दोस्तों, नॉस्टॉक होता, तो यहाँ एक कन्फ्यूजन हो गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसके बाद, इफ अ वाउचेरिया प्लांट इज गिवेन टू यू विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर वुड बी यूजफुल इन द आइडेंटिफिकेशन। ये वाउचेरिया प्लांट दिया जाए उसके कौन से कैरेक्टर हैं जो आपको उसका आइडेंटिफाई करने के लिए यूजफुल होंगे। क्वेश्चन नंबर 25 के चार ऑप्शन दिए हैं, ब्रांच्ड, सेप्टेट नेचर, रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट विथ पायरेनोइड्स एंड सिंगल न्यूक्लियस। नेक्स्ट पॉर्शन है, अनब्रांच फिलामेंटस नेचर, इंडिविजुअल सेल्स शोइंग प्रिमिटिव न्यूक्लियस विथ डिफ्यूज्ड पिगमेंट। नेक्स्ट ऑप्शन है, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म विथ स्टेम लाइक एक्सिस, लीफ एक्सिस, एक्सपेंशन बीइंग ब्राउन इन कलर विथ फ्यूकोजेंथिन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों, स्पार्सली ब्रांच्ड, अनसेप्टेट, ट्यूबुलर, कोनोसेटिक नेचर विथ क्रोमेटोफोर डिवाइड बाय द पायरेनोइड्स। क्वेश्चन नंबर 25 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 26 है, द सिस्टोकार्प ऑफ पॉलीसाइफोनिया इज, पॉलीसाइफोनिया जो सिस्टोकार्प होता है वो क्या होता है। तो आपके पास है हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है, ट्रिप्लॉइड होता है, पॉलीप्लॉइड होता है। तो सिस्टोकार्प ऑफ पॉलीसाइफोनिया का जो पॉलीसाइफोनिया होता है सिस्टोकार्प, पॉलीसाइफोनिया जो सिस्टोकार्प होता है वो क्या होता है, डिप्लॉइड होता है, अर्थात यहाँ पे ये 2n हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, इन ओडोगोनियम द नैनाड्रियम डेवलप्स फ्रॉम, नैनाड्रियम डेवलप होता है ओगोनियम के जू स्पोर से, एंड्रोस्पोर से, एप्लानो स्पोर से एंड ऑक्सोस्पोर से। तो क्वेश्चन 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा, एंड्रोस्पोर से। क्वेश्चन नंबर 28, द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन सार्गेसम, सार्गेसम में फोटोसिंथेसिस का जो लास्ट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है। तो स्टार्च है, मैनिटल है, ग्लिसरॉल है और ग्लाइकोजन है। याद रखिएगा सार्गेसम में जब फोटोसिंथेसिस होती है तो इस केस में एल्कोहल C2H5OH, OH या फिर हम इसे कहते हैं सामान्य भाषा में एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो दोस्तों यहाँ पे 28 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, हम लोग एल्कोहल को साथ में क्या कहते हैं, मैनिटल भी कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29, द शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन जिग्निमा, जिग्निमा क्लोरोप्लास्ट का जो शेप होता है वो कैसा होता है। तो आपके पास राइट चार ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है रेटिकुलेट, कप शेप्ड, रिबन शेप्ड एंड स्टिलेट। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी स्टिलेट। क्वेश्चन नंबर 30 है, फिलामेंट्स आर अनब्रांच्ड इन, इसमें किसमें फिलामेंट जो होता है वो अनब्रांच्ड होता है, ओडोगोनियम में, जिग्नेमा में, स्पायरोगायरा में, ऑल द अबव में। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 31 है, द सिस्टोकार्प इन बैटाकोस्पर्मम इज, बैटाकोस्पर्मम का जो सिस्टोकार्प होता है वो क्या होता है। सिस्टोकार्प बैटाकोस्पर्म इज हैप्लॉइड, याद रखिएगा यहाँ पे क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 है, इन सार्गेसम कंसेप्टिकल्स अकर, कंसेप्टिकल्स सार्गेसम में कहाँ होते हैं, ऑन द स्टेम, ऑन द लीफ, इन द रिसेप्टिकल्स, इन द बेसल रीजन। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इन द रिसेप्टिकल्स पे होते हैं कंसेप्टिकल्स। क्वेश्चन नंबर 33, एन एग्जाम्पल ऑफ कोलोनियल कोइनोसाइटिक एल्गा, कोलोनियल कोइनोसाइटिक एल्गा कौन है, जिग्निमा, ओडोगोनियम, हाइड्रोडिक्टियन एंड वॉल्वॉक्स। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोडिक्टियन। क्वेश्चन नंबर 34 है, स्क्लेरीफॉर्म कंजुगेशन टेक्स प्लेस इन, स्क्लेरीफॉर्म कंजुगेशन किस में होता है, क्लेमाडोमोनास में, जिग्नेमा में, स्क्लेटोरिया में और स्पारुलिना में। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जिग्नेमा में। यहाँ क्या होता है, स्क्लेरीफॉर्म कंजुगेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 35, डिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल इज सीन इन, डिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल किसमें देखा जाता है, पैंडेरिना में, पॉलीसिफोनिया, वॉल्वॉक्स एंड जिग्नेमा। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पॉलीसाइफोनिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन 36, कैप्सेल आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, कैप्सेल किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, ओडोगोनियम, चारा, सार्गेसम, वोचेरिया। क्वेश्चन 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओडोगोनियम में कैप्सेल पाई जाती हैं। क्वेश्चन 37 है, गैंग्रोसीरा स्टेज इज सीन ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैट्राकोस्पर्मम, सुकोलियोचिटी, सार्गेसम, वोचेरिया। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वोचेरिया में ये सीन होता है, कौन सा, कैंग्रोसीरा स्टेज। क्वेश्चन नंबर 38 है, रैफी इन आ डायटम इज विजिबल इन द, जो रैफी होता है डायटम में विजिबल होगा कहाँ, गर्डल व्यू में, वॉल्व व्यू में, साइड व्यू में और एंड व्यू में। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वॉल्व व्यू में। क्वेश्चन नंबर 39, पल्मेलॉइड स्टेज इज सीन, पल्मेलॉइड स्टेज किस में दिखता है, क्लैमाइडोमोनास में, पेंडोरिना में, यूडोरिना में, वॉल्वॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लैमाइडोमोनास में पल्मेलॉइड स्टेज दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 40, द सेल वॉल ऑफ डायटम सो स्कल्पचरिंग स्कल्पटिंग ड्यू टू द अनइक्वल डिपोजिशन, अनइक्वल डिपोजिशन ऑफ अ सेल वॉल मार्सिया मटेरियल, सेलो मटेरियल में स्कल्पचरिंग जो होता है वो क्यों होता है, अनइक्वल होता है, अनइक्वल क्यों होता है, सेलुलोज की वजह से, पेक्टिन की वजह से, काइटिन की वजह से और सिलिका की वजह से। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिलिका की वजह से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 41,
प्लूरीलोकुलर स्पोरेंजिया आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। प्लूरीलोकुलर स्पोरेंजिया किस में पाई जाती है, तो अभी हमने आपको बताया था किस में, एक्टोकार्पस में। चलिए दोस्तों, प्लूरीलोकुलर स्पोरेंजिया किस में पाई जाती है, एक्टोकार्पस में। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। एन एग्जाम्पल ऑफ एल्गा दैट एक्सिबिट स्यूडो स्यूडो डाइकोटोमी। ऐसा एग्जाम्पल एल्गा का वह एग्जाम्पल जो स्यूडो डाइकोटोमी शो करता है। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लेडोफोरा। क्वेश्चन नंबर 43 है, गैमिट्स आर नॉन फ्लैजलेटेड इन। किसमें गैमिट्स जो होते हैं वो नॉन फ्लैजलेटेड होते हैं, तो आपके पास चार ऑप्शन हैं। पहला है कसमोरियम, इक्टोकार्पस, वोल्वोक्स, हाइड्रोडिक्टियन। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कॉस्मोरियम। क्वेश्चन नंबर 44 है, द फॉलोइंग एल्गा एग्जिबिट्स आइसोमार्फिक लाइफ साइकिल। आइसोमार्फिक लाइफ साइकिल किस में होती है, क्लेडोफोरा में, जिग्नेमा में, सर्गेसा में, बैट्राकोस्पर में। 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लेडोस्पोरा में। क्वेश्चन नंबर 45 है, द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज इन कोलियोचीटी। कोलियोचीटी के पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज में जो स्ट्रक्चर चेंज होता है वो क्या होता है, वो सिस्टोकार्प होता है, स्पर्मेटोकार्प, मेरिकार्प एंड पेरिकार्प। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये स्पर्मोकार्प होता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, गाइनेंड्रोस्पोरस फिलामेंट्स ऑफ यूडोगोनियम बियर। गाइनेंड्रोस्पोरस फिलामेंट जो यूडोगोनियम को क्या बियर करता है, बोथ उगोनिया एंड एंथ्रीडिया, बोथ यूगोनिया एंड एंडोस्पोरेंजिया, बोथ उगोनिया एंड नैनेंड्रिया एंड एंथ्रीडिया ओनली। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, बोथ उगोनिया एंड एंडोस्पोरेंजिया, ये दोनों होते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गाइनेंड्रोस्पोरस भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 होगा दोस्तों, इसी के बाद क्वेश्चन नंबर 47 करने से पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारे द्वारा डाले गए समस्त वीडियो आपको प्राप्त होते रहें, और इस मेहनत के लिए 1 लाख तो बनता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। एन एल्गा दैट इम्पैक्ट रेड कलर ऑफ टू द सो इज। ऐसा एल्गा जो रेड कलर इम्पैक्ट करता है वो क्या है, क्लैमिडोमोनास नेवेलिस है, वोल्वोक्स ग्लोबेटर है, बैट्राकोस्पर्मम मोनिलीफॉर्म है एंड सॉर्गेसम नेटन्स है, नेटन्स। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यह हो जाएगा क्लैमाइडोमोनास नेवेलिस होता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, इन वोल्वोकेल्स द एक्सेस फोटोसिंथेसिस आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फोटोसिंथेसिस के बाद जो उसमें फॉर्मेशन होता है फॉर्मेटर को कहाँ स्टोर होता है, किस रूप में स्टोर होता है, वोल्वोकेल्स में, ग्लूकोज के रूप में, स्टार्च के रूप में, ऑयल ड्रॉपलेट एंड ग्लाइकोजन बॉडीज के रूप में। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टोर होता है स्टार्च के रूप में। क्वेश्चन नंबर 49 है, पॉलीसाइफोनिया एग्जिबिट अ स्पेशल काइंड ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। पॉलीसाइफोनिया में एक विशेष प्रकार का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, जिसे कहते हैं आइसोमार्फिक, हैप्लोन्टिक, डिप्लोन्टिक, ट्राइफेजिक। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, इट्स अ ट्राइफेजिक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, द एडल्ट प्लांट ऑफ बैट्राकोस्पर्मम इज फॉर्म्ड। जो बैट्राकोस्पर्मम का एडल्ट प्लांट होता है वो फॉर्म्ड होता कैसे बनता है, बाय द जर्मिनेशन ऑफ मोनोस्पोर अ लेटरल सूट ऑफ द चेंट्रांसिया स्टेज एज अ लेटर स्टेज ऑफ कार्पोस्पोरोफाइट बाय द जर्मिनेशन ऑफ कार्पोस्पोर। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एज अ लेटर सूट ऑफ द चेंट्रांसिया स्टेज। क्वेश्चन नंबर 51 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गल ग्रुप इज प्लेस्ड इन प्रोकैरियोट। इसमें किस एल्गल ग्रुप को प्रोग्राम में रखते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा साइनोफासिया, साइनोबैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 52 है, पोंड सिल्क इज कॉमन नेम। इसमें किसका कॉमन नेम पोंड सिल्क है, यूलोथ्रिक्स का, चारा का, स्पायरोगायरा का एंड बैट्राकोस्पर्म का, स्पर्मम का। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, स्पायरोगायरा का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फ्यूजन बिटवीन मोटाइल गैमिट ऑफ अनइक्वल साइज इज। मोटाइल गैमिट जो होते हैं उनके बीच में जो फ्यूजन हो ये दोनों अनइक्वल साइज के हों तो इसको क्या कहेंगे, आइसोगैमी कहते हैं, एंड आइसोगैमी कहते हैं डाइकोटो डाइकोगैमी कहते हैं एंड होलोगैमी कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसे हम एन आइसोगैमी कहते हैं। क्वेश्चन 54 है, एल्गा आर क्लासिफाइड इनटू मेजर ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ, एल्गा को क्लासिफाई किया गया है मेजर ग्रुप में किस बेस पे, तो आपका चार ऑप्शन है, नेचर ऑफ रिजर्व फूड प्रोडक्ट, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल, वेजिटेटिव कैरेक्टर, टाइप ऑफ पिगमेंट। क्वेश्चन 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सेल वॉल, जिस भी एल्गी का सेल वॉल का कंपोजिशन जैसा होगा उसे उस हिसाब से बांट दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 55 होगा दोस्तों इसी के साथ, अ पिगमेंट दैट इज एब्सेंट इन फियोफाइसी, फियोफाइसी में कौन सा पिगमेंट नहीं होता, और याद रखिएगा फियोफाइसी हम लोग क्या कहते हैं, ब्राउन एल्गी भी कहते हैं। तो क्वेश्चन 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल बी इसमें एब्सेंट होता है, बाकी क्लोरोफिल ए भी होता है, बीटा कैरोटीन भी होता है एंड फ्यूकोजेंथिन होता है, और इस फ्यूकोजेंथिन की वजह से इसका कलर क्या हो जाता है, ब्राउन हो जाता है, इसलिए हम लोग किसे क्या कहते हैं, ब्राउन एल्गी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, साइनोबैक्टीरिया आर, साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, फोटो हेटरोट्रॉप्स होते हैं, कीमो ऑटोट्रॉप्स होते हैं एंड कीमो हेटरोट्रॉप्स होते हैं। क्वेश्चन 56 का राइट आंसर होगा, ये फोटो ऑटोट्रॉप होंगे जितने भी साइनोबैक्टीरिया, क्यों साइनोबैक्टीरिया हम लोग क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, और इसमें फोटोसिंथेसिस करने के लिए जो क्लोरोफिल होता है उसमें पिगमेंट ए बी और सी तीनों पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों 57, द म्यूसिलेजिनस सीथ इन ब्लू ग्रीन एल्गी हेल्प मोस्टली इन, ब्लू ग्रीन एल्गी में जो म्यूसिलेजिनस सीथ बनती है वो हेल्प करती है रिप्रोडक्शन में, प्रिवेंटिंग डिस्केशन में, अवॉइडिंग पैरासाइट्स में, फोटोसिंथेसिस में। क्वेश्चन 57 का राइट आंसर होगा प्रिवेंटिंग डिस्केशन में, तो उसको अलग करने के उसमें रोकने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जिससे वो अलग अलग ना हो, ब्लू जो यहाँ पे म्यूसिलेजिनस सीथ बन जाएगा, म्यूसिलेजिनस सीथ इस ब्लू ग्रीन एल्गी को डिवाइड नहीं होने देती। क्वेश्चन नंबर 58 है दोस्तों, ऑन द वन ऑफ द मेन रीजन फॉर इंक्लूडिंग साइनोफाइसी इन प्रोकैरियोट इज, साइनोफाइसी को प्रोकैरियोट में रखने के पीछे जो मेन रीजन वो क्या है। क्वेश्चन 58 का राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रेजेंस ऑफ म्यूसिलेजिनस सीथ, एब्सेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एब्सेंस ऑफ फ्लैजेलेटरी स्ट्रक्चर। याद रखिएगा चाहे म्यूसिलेजिनस सीथ की बात हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो एंड फ्लैजेलेटेड स्ट्रक्चर की बात हो, ये तीनों क्या हैं, ये तीनों कैरेक्टर हैं किसके, यूकैरियोटिक के, जबकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यदि न्यूक्लियस में नहीं होता तो किसका कैरेक्टर हो जाएगा, हो जाएगा प्रोकैरियोट का, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, हेट्रोसिस्ट आर नॉट सीन, हेट्रोसिस्ट नहीं दिखाई देता किस में, ग्लोइकोस्पा में, नोस्टॉक में, ग्लोरियोट्राइका में एंड रिवुलेरिया में। क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लोई कैप्सा में। क्वेश्चन नंबर 60 है दोस्तों इसी, क्वेश्चन नंबर 60 है, नैनोसाइट्स आर, नैनोसाइट्स क्या होते हैं, नेकेड एप्लानो स्पोर होते हैं, स्मॉल साइज एक्सोजेनस स्पोर होते हैं, स्मॉल साइज नेकेड स्पोर प्रोड्यूस इन अ लार्ज नंबर, मोटाइल इंडोस्पोर। क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्मॉल साइज नेकेड स्पोर प्रोड्यूस इन अ लार्ज नंबर, इसे हम लोग क्या कहते हैं, नैनोसाइट्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, द फिलामेंटस फिलामेंट्स ऑफ ऑस्किलेटोरिया आर, ऑस्किलेटोरिया का फिलामेंट होता है वो क्या होता है, ये यूनिसेरिएट एंड अनब्रांच, यूनिसेरिएट एंड ब्रांच, मल्टीसेरिएट एंड अनब्रांच, मल्टीसेरिएट एंड ब्रांच, तो आपका राइट आंसर होगा 61 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यूनिसेरिएट एंड अनब्रांच। क्वेश्चन नंबर 62 है, साइटोनीमा रिप्रोड्यूस बाय द फॉर्मेशन ऑफ, साइटोनीमा रिप्रोडक्शन होता है किसके फॉर्मेशन से, हार्मोगोनिया ओनली, हार्मोगोनिया एंड एकाइनेट्स, हेट्रोसिस्ट एंड इंडोस्पोर एंड हार्मोगोनिया एंड हेट्रोसिस्ट। क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हार्मोगोनिया एंड एकाइनेट्स, इसके थ्रू क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, साइटोनीमा रिप्रोडक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करेंगे, मेंबर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर आर एक्सक्लूसिवली फ्रेश वाटर, इसमें से किस के मेंबर के हैं फ्रेश वाटर के हैं, सिफाइनल्स के हैं, ओडोगोनियल्स के हैं, क्लेडोफोरल्स के हैं एंड चीटोफोरल्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओडोगोनियल्स के मैक्सिमम क्या होते हैं, ये फ्रेश वाटर एल्गी पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गा फॉर्म्स कोइनोबियल कॉलोनी, कोइनोबियल कॉलोनी किस एल्गा को फॉर्म होता है, पेडियस्ट्रम, सिफेरेला, टेट्रास्पोरा एंड कोलियोचीटी। क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पेडिस्ट्रम, पेडियस्ट्रम का क्या होता है, ये कॉलोनियल फॉर्म होते हैं, कॉलोनी का फॉर्मेशन कहते हैं पेडियस्ट्रम। क्वेश्चन नंबर 65 है दोस्तों, हाउ मेनी ऑर्डर्स हैव बीन इंक्लूड इन अ क्लोरोफाइसी बाय एफिफ्रिज, 8, 9, 12, 15।
तो 65 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ये 8 ऑर्डर कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, पाल्मेलॉइड स्टेज इन क्लैमाइडोमोनास इज हेल्पफुल। क्लैमाइडोमोनास में जो पाल्मेलॉइड स्टेज होता है वो हेल्पफुल होता है किस में? प्रोटेक्टिंग द एल्गा अगेंस्ट डेसिकेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ब्रिंगिंग अबाउट जेनेटिक इनफॉर्म यूनियन, ब्रिंगिंग अबाउट गैमेटिक यूनियन, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटेक्टिंग द एल्गा अगेंस्ट डेसिकेशन। क्वेश्चन नंबर 67 है, इफ द नंबर ऑफ सेल इन एन ऑटो कॉलोनी ऑफ हाइड्रोडिक्टियन इज 1024, द नंबर ऑफ सेल इन अ मैच्योर कॉलोनी विल बी मोर देन 1024, लेस देन 1024, ओनली 1024, नॉट अ फिक्स नंबर। क्वेश्चन नंबर 67 इज राइट ऑप्शन दैट ओनली 1024, बिकॉज ये ऑटो कॉलोनी है एंड हाइड्रोडिक्टियन का द नंबर ये है सेल, ये क्या है मैच्योर कॉलोनी की बात कर रहे हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ओनली 1024। क्वेश्चन नंबर 68, स्मिथ 1938 एंड 55 प्लेस्ड वाउचेरिया इन द क्लास, वाउचेरिया किस क्लास में स्मिथ ने प्लेस किया, ये है क्लोरोफाइसी, जेंथोफाइसी, परसोनो स्पोरेसी एंड रोडोफाइसी। क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इट्स अ जेंथोफाइसी, जेंथोफाइसी में वाउचेरिया को रख दिया गया। क्वेश्चन नंबर 69 है, अमाइलम स्टार्स आर, एमालम स्टार्स क्या होते हैं? क्वेश्चन 69 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव बॉडीज ऑफ अ चारा। क्वेश्चन नंबर 70 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ इस लास्ट क्वेश्चन इज दैट द स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकोमोशन इन डायटम्स आर, डायटम्स में लोकोमोशन जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या उसे हम लोग रैफी कहते हैं। दोस्तों ये हो गए आपके, यहाँ पे 70 क्वेश्चन हो गए हैं, अभी मैं आपको 70 क्वेश्चन और कराने जा रहा हूँ, आप इसे ध्यान से देखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन लगातार होंगे जिससे एक अच्छा और बेहतरीन वीडियो आपके लिए तैयार हो सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों हम लोग, चलिए दोस्तों नेक्स्ट 70 क्वेश्चन के लिए फिर से रेडी रहिएगा, और अब थोड़ा सा स्पीड में पढ़ूंगा जिससे कम समय में अच्छे से इसे हम लोग पूरा देख सकें। अब यहाँ देखिए कुछ क्वेश्चन आपको रिपीटेड भी मिल सकते हैं, तो ये रिपीटेड इसलिए मिलेगा कि ये दो अलग अलग बुक्स है और बहुत जगह से छांट कर लेके आया गया क्वेश्चन है, कई जगहों से क्वेश्चन को इकट्ठा करके तब आपके लिए बना रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा, या फिर आप 71 क्वेश्चन 71 कह सकते हैं, चलिए हम 1 शुरू करेंगे, तो पॉन्ड सिल्क और वाटर सिल्क या कॉमन नेम ऑफ स्पायरोगायरा। क्वेश्चन नंबर 2, स्पायरोगायरा प्लांट रिप्रेजेंट द न्यूटर जनरेशन, डिप्लॉयड जनरेशन, हैप्लॉयड जनरेशन, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हैप्लॉयड जनरेशन। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरासिटिक एल्गी, इसमें से कौन सा ऐसा जो पैरासिटिक एल्गी है, नोस्टोक है, रोडोमेनिया, सिफेलियोरस है एंड पोलिसाइफोनिया। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिफेलियोरस। क्वेश्चन नंबर 4, स्पायरोगायरा इज अ कॉमनली नोन बाय द नेम ऑफ पॉन्ड स्कम, स्पायरोगायरा पॉन्ड स्कम के नाम से भी जानते हैं और पॉन्ड सिल्क के नाम से, बिकॉज स्पायरोगायरा फिलामेंट्स आर नॉट रफ, द प्रेक्टोस लेयर ऑफ स्पायरोगायरा फिलामेंट्स बिकम म्यूसलेजिनस, द फिलामेंट सिक्रीट अ सिल्की सब्सटेंस, द सेलुलोज लेयर सिक्रीट द म्यूसलेजिनस सब्सटेंस। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द प्रेक्टोस लेयर ऑफ स्पायरोगायरा फिलामेंट्स बिकम म्यूसलेजिनस, म्यूसलेजिनस हो जाए इसलिए क्या सिल्की होगा, जब सिल्की होगा तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, पॉन्ड सिल्क कहते हैं, पॉन्ड स्कम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, समटाइम्स अ लैडर लाइक स्ट्रक्चर इज एक्सिबिट इन स्पायरोगायरा ड्यू टू, कभी कभी स्पायरोगायरा में लैडर मतलब सीढ़ी जैसी संरचना दिखने लगती है, वो क्यों होती है, स्केलीफॉर्म कंजुगेशन की वजह से, लेटरल कंजुगेशन की वजह से, डायरेक्ट कंजुगेशन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन 5 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्केलीफॉर्म कंजुगेशन। क्वेश्चन नंबर 6 होगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ एंडोजोइक एल्गी, इसमें से कौन सा एक एंडोजोइक एल्गी है, ग्रेसलेरिया, कोलियोचीटी, निमेलियन एंड जूक्लोरेला। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जूक्लोरेला। जूक्लोरेला क्या होता है, एक इंडोजोइक एल्गी होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, मोस्ट ऑफ द एल्गी आर, इसमें से बहुत सारे एल्गी हैं, क्यों, एक्वेटिक, एपीफाइटिक, एल्पाइन एंड टेरेस्ट्रियल। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक्वेटिक। क्वेश्चन नंबर 8 है, द बेसल सेल बाय विच एन एल्गा इज अटैच्ड टू इट्स सबस्ट्रेटम इज नोन एज होल्ड फास्ट,
अर्थात ऐसा क्या होगा कि जो एल्गा सबस्ट्रेशन सबस्ट्रेटम जोड़ने वाला जो स्टॉक होगा या जो सबस्ट्रेशन जोड़ता है बेसल से, उसे हम लोग क्या कहते हैं, होल्ड पास्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, एमंग द एल्गा केल्प आर, एल्गा में जो केल्प होता है वो क्या होता है, द स्मॉलेस्ट स्मॉलर द लार्जेस्ट एंड रूडिमेंट्री। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केल्प आर लार्जेस्ट, एमंग द एल्गा केल्प आर लार्जेस्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 इज दैट वन ऑफ द एल्गा कैन बी यूज एज अ फूड इन द स्पेस फ्लाइट, स्पेस फ्लाइट में जो कुछ एल्गा फूड के रूप में यूज होते हैं वो कौन से हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, क्लोरेला। क्वेश्चन नंबर 11 है, एंटीबायोटिक हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, एंटीबायोटिक इसमें किससे प्राप्त होता है, क्लोरेला से, स्पायरोगायरा से, ऑस्लेटोरिया से एंड यूलोथ्रिक से। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरेला से। क्वेश्चन नंबर 12, द एल्गा स्पायरोगायरा आर फाउंड इन, एल्गा जो स्पायरोगायरा कहाँ पाया जाता है, मैरिन वाटर में, बोथ इन सी एंड फ्रेश वाटर एंड ऑन सॉयल। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इट्स अ फ्रेश वाटर। क्वेश्चन नंबर 13, इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ स्पायरोगायरा दैट डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा का जो इंपॉर्टेंट फीचर है जो उसे यूलोथ्रिक्स से अलग करता है वो है, इट्स अ स्लाइमी नेचर, द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, द साइज ऑफ पैक्यूल, इट्स हैबिटेट। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इट्स स्लाइमी नेचर। क्वेश्चन नंबर 14, वन ऑफ द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ स्पायरोगायरा इज यूनिनेक्युलर कंडीशन, ग्रीन कलर, स्पायरल क्लोरोप्लास्ट एंड प्रेजेंस ऑफ पाइनॉइड्स। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्पायरल क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 15, एगर अ कॉमन सब्सटेंस यूज इन द रिसर्च इज ऑब्टेन फ्रॉम सेपरेट फंजाई, ब्लू ग्रीन एलगी, ब्राउन एलगी, रेड एलगी। क्वेश्चन नंबर 15 राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इट्स अ रेड एलगी। क्वेश्चन नंबर 16, रेड एलगी इज सर्गेसम। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, द क्लोरोप्लास्ट इन यूरोथ्रिक्स, यूरोथ्रिक्स जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कैसा होता है, इट्स अ स्पायरल शेप्ड, इट्स अ लैडर शेप्ड, स्टीलेट शेप्ड एंड गर्डल शेप, इट्स अ गर्डल शेप। क्वेश्चन नंबर 16 है, राइट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 17 है, द जू स्पोर ऑफ यूरोथ्रिक्स, यूरोथ्रिक्स जू स्पोर होता है बेसिलेट एंड क्वाडिसिलिएट, क्वाडिसिलिएट ओनली, मल्टीसिलिएट नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन 17 राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, इट्स अ बाइसिलिएट आर क्वाडिसिलिएट। बाइसिलिएट में क्या होते हैं, दो होते हैं फ्लैजिला, और क्वाडिसिलिएट में होते हैं चार फ्लैजिला, चार जूस्पोर होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, द मेन कैरेक्टरिस्टिक दैट डिस्टिंग्विश अ स्पायरोगायरा सेल्फ फ्रॉम द यूरोथ्रिक्स इज, स्पायरोगायरा से यूरोथ्रिक्स को जो अलग करता है वो कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 18 के दो ऑप्शन यहाँ पे हैं, इट्स अ एलोंगेटेड शेप, इट्स अ ग्रीन कलर, इसका दो ऑप्शन और पीछे हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, स्पायरल क्लोरोप्लास्ट एंड रेक्टेंगुलर इलांगेटेड सेल एंड स्पायरल क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 19 है, एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन ऑफ जूस्पोर इन स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा में जूस्पोर के जर्मिनेशन समय क्या होता है, ऑल हैप्लॉइड न्यूक्लियाई आर फंक्शनल, ओनली वन हैप्लॉइड न्यूक्लियस आर फंक्शनल, डिप्लॉइड न्यूक्लियस डज नॉट डिवाइडेड, डिप्लॉइड न्यूक्लियस डिवाइड माइटोटिकली। क्वेश्चन 19 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ओनली वन हैप्लॉइड न्यूक्लियस इज फंक्शनल। क्वेश्चन नंबर 20, यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा आर फिलामेंटस, यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा दोनों क्या होते हैं, फिलामेंटस होते हैं एंड ब्रांच कॉलोनियल, अनब्रांच सोलेटरी। क्वेश्चन नंबर 20 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनब्रांच। क्वेश्चन 21 है, यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय, स्पायरोगायरा और यूलोथ्रिक्स दोनों वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करते हैं कैसे, फ्रेगमेंटेशन से, बडिंग से, पार्थेनोजेनेसिस से और फॉर्मिंग स्पोर्स से। क्वेश्चन नंबर 21 राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, फ्रेगमेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 22 है, नॉन मोटाइल थिन वॉल्ड स्पोर्स ऑफ एल्गी आर कॉल्ड, ऐसा एल्गी जो नॉन मोटाइल है, थिन वॉल्ड है, वो एल्गी का कौन सा स्पोर है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये होता है एप्लानो स्पोर। ठीक है, देखिए जाइगो स्पोर्स, माइक्रो स्पोर्स और माइक्रो, माइक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा, जाइगो मतलब जो मूव कर रहा हो एंड एप्लानो मतलब जो स्टेबल हो। क्वेश्चन नंबर 23 है, अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस आर जनरेटिंग सेल फॉर्म्स एप्लानो स्पोर्स फ्रॉम द म्यूसलेजिनस मास विच इंक्लूड्स न्यूमरस स्मॉल बट यूनिन्यूक्लियेट बॉडीज, दिस इज नोन एज, जिसके क्या हम इसको हम लोग क्या कहेंगे। तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इस पाल्मेला स्टेज। क्वेश्चन नंबर 24 है, हेटरोट्राइगस हैबिट मीन्स, इसमें हेटरोट्राइगस हैबिट का मतलब क्या है, अ पोर्शन ऑफ प्लांट बॉडी इज प्रोस्ट्रेट एंड अनादर पोर्शन इरेक्ट,
होल प्लांट बॉडी इज प्रोस्टेट, होल प्लांट बॉडी आर इरेक्ट एंड एरियल, नन ऑफ द अबव इज करेक्ट। क्वेश्चन 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अ पोर्शन ऑफ प्लांट बॉडी इज प्रोस्टेट एंड अनदर पोर्शन इज इरेक्ट, इट्स अ हेट्रोटाइगस, हेट्रो मतलब अलग अलग, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25 है, हेट्रोसिस्ट आर फाउंड इन, हेट्रोसिस्ट किस में पाया जाता है, ऑस्लेटोरिया, नोस्टॉक, क्लैमिडोमोनास, स्पायर वगैरह, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नोस्टॉक। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ग्रुप ऑफ एल्गी हैव एन इंसिपिएंट न्यूक्लियस, इसमें किस ग्रुप के एल्गी में इंसिपिएंट न्यूक्लियस होता है, तो मैक्सोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी एंड क्लोरोफाइसी। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इट्स अ मैक्सोफाइसी। क्वेश्चन नंबर 27, रेडनेस ऑफ रेड सी इज ड्यू टू, रेडनेस ऑफ रेड सी इज ड्यू टू ट्राइकोडिस्मियम एरिथ्रियम इन अ सी वाटर, इट्स अ रेड एल्गी एंड नेम इज दैट ट्राइकोडिस्मियम एरिथ्रियम। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 दैट वाटर ब्लूम इज जनरली कास्ट बाई, वाटर ब्लूम किससे होता है, किससे काज होता है, इट्स अ बैक्टीरिया, हाइड्रिला, ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। क्वेश्चन 28 राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, इट्स अ ब्लू ग्रीन एल्गी की वजह से वाटर ब्लूम दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, हार्मोगोनिया आर द वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ, हार्मोगोनिया किसका वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, क्लैमिडोमोनास, स्पायरोगायरा, ऑस्क्लेटोरिया, यूथ्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 29 राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, इज द ऑस्क्लेटोरिया। क्वेश्चन नंबर 30, इन विच आर द फॉलोइंग प्लांट्स आइसोगैमी, एनाइसोगैमी एंड ओगैमी आल आर फाउंड, क्लैमिडोमोनास, क्लैमिडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, ऑस्क्लेटोरिया, स्पायरोगायरा। क्वेश्चन 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लैमिडोमोनास, इसमें एनाइसोगैमी, आइसोगैमी एंड यूगैमी तीनों प्रकार के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, वन ऑन जर्मिनेशन एज जाइगोस्पोर ऑफ स्पायरोगायरा डिवाइड्स माइटोटिकली इंटू फोर, बट द नंबर ऑफ फिलामेंट्स प्रोड्यूस्ड इज, इसमें कितने नंबर ऑफ फिलामेंट प्रोड्यूस होते हैं, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 32, न्यूक्लियस इन स्पायरोगायरा इज सस्पेंडेड इन द सेल विद द हेल्प ऑफ, जो न्यूक्लियस होता है स्पायरोगायरा का वो सस्पेंड होता है सेल में किसकी वजह से, क्लोरोप्लास्ट की वजह से, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड की वजह से, वैक्यूल की वजह से, नॉन ऑफ द अबव। क्वेश्चन 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इट्स अ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड की वजह से ये शिफ्ट कर जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंजुगेशन इन स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा में जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंजुगेशन है वो क्या है, टर्मिनल है, इनडायरेक्ट लेटरल है, डायरेक्ट लेटरल है और स्क्लेरीफॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इट्स अ स्क्लेरीफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 34, मोस्ट ऑफ द एल्गा अलोंग विद देयर सबमर्ज्ड प्लांट यूजली फ्लोट ऑन द वाटर ड्यूरिंग द डे टाइम व्हाइल दे सिंक एट अ नाइट, बिकॉज मोस्ट ऑफ एल्गी जो होते हैं वो अपने साथ जो सबमर्ज होते हैं प्लांट में यूजली फ्लोट वाटर में, क्या होता है दिन में वो तैरते रहते हैं लेकिन रात में वो क्या होते हैं वो नाइट में उसमें डूब जाते हैं, सबमर्ज हो जाते हैं, क्यों? तो आपके पास चार ऑप्शन है दोस्तों, चारों ऑप्शन में देखिए, दे बिकम कंपैरेटिवली लाइट ड्यू टू द लॉस ऑफ फूड मटेरियल ड्यूरिंग रिस्पायरेशन, दे बिकम बायोंट बाई नेचर बाई वर्च्यू ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ ऑक्सीजन एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, दे कम अप टू रिसीव सनलाइट, दे बिकम लाइटर इन वेट एज फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दे बिकम बायोंट बाई वर्च्यू ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ ऑक्सीजन एज द रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 35 होगा, क्वेश्चन नंबर 35 इज दैट चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा में करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, फिलीफॉर्म शोइंग स्क्लेरीफॉर्म कंजुगेशन एंड ऑलवेज होमोथैलिक। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर देख लेते हैं सीधा, तो फिलामेंट्स विथ लेटरल कंजुगेशन और ऑलवेज होमोथैलिक, तो हाँ 35 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, विच इज नॉट द करेक्टरिस्टिक फीचर इन स्पायरोगायरा लाइफ हिस्ट्री, स्पायरोगायरा लाइफ हिस्ट्री में कौन सा करेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है, आइसोगैमस कंजुगेशन, फ्रेगमेंटेशन, जूस्पोर फॉर्मेशन, एकाइनेट फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जूस्पोर फॉर्मेशन इसमें नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, लेकिन उसके पहले दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारे द्वारा डाले गए समस्त
वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। यदि कोई दिक्कत हो तो दोस्तों कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 37 है, एज क्लोरोप्लास्ट इन स्पायरोगायरा बीयर्स एन इंडिफिनिट नंबर ऑफ पायरेनॉइड्स। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स डज नॉट हैव आर्चिगोनियम। इसमें से कौन सा प्लांट है जिसमें आर्चिगोनियम नहीं होती? फ्यूनेरिया, टेरिस, साइकस एंड स्पायरोगायरा। क्वेश्चन 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, स्पायरोगायरा, क्योंकि फ्यूनेरिया आपका ब्रायोफाइटा है, आर्चिगोनियम होता है, साइकस एंड टेरिस ये दोनों क्या हैं, ये दोनों जिम्नोस्पर्म हैं, जबकि स्पायरोगायरा क्या है, एल्गा है। क्वेश्चन 38 के बाद क्वेश्चन 39 है, व्हाट इज द रिजर्व फूड मटेरियल इन एल्गा। एल्गा का रिजर्व फूड मटेरियल क्या है? सेलुलोज, ग्लाइकोजन, स्टार्च एंड फैट। क्वेश्चन 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टार्च। मैक्सिमम एल्गी का रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च होता है, कुछ का ऑयल होता है एंड कुछ का एल्कोहल भी होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, विच इज नॉट लाइक टू बी फाउंड एन अ सी हॉर्स, सी सोर। इसमें से किसे हम सी सोर या समुद्र किनारे नहीं पाएंगे? ग्रीन एल्गी को, रेड एल्गी को, ब्राउन एल्गी को एंड मॉस को। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीन एल्गी को वहाँ पे नहीं पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है, यूलोथ्रिक्स प्रोड्यूस करता है क्या? प्रोड्यूस करता है यूलोथ्रिक्स दोस्तों तो क्वाडिफ्लैजिलेट, माइक्रोस्पोर, माइक्रोजोस्पोर, बायोफ्लैजिलेट, माइक्रोजोस्पोर, क्वाडिफ्लैजिलेट, माइक्रोजोस्पोर, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 42 है सॉरी, ब्लू ग्रीन एल्गी विच लाइव एज इंडोजोइक इन प्रोटोजोवंस आर कॉल्ड। इसमें कौन सी ब्लू ग्रीन एल्गी है जो प्रोटोजोआ में इंडो क्या होते हैं, इंडोजोइक होते हैं? साइनोफेज, बैक्टीरियोफेज, साइनेली एंड प्लाज्मिड। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, साइनेली। क्वेश्चन नंबर 43 है, द थ्रेड लाइक बॉडी ऑफ अ नोस्टॉक फिलामेंट विदाउट म्यूसिलेज सीथ इज कॉल्ड। नोस्टॉक का वो फिलामेंट जो बिना म्यूसिलेज के होता है उसे क्या कहेंगे? हाइफी कहते हैं, कॉलोनी कहते हैं, ट्राइकोम कहते हैं, माइसिलियम कहते हैं। तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उसे हम क्या कहते हैं, ट्राइकोम कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें म्यूसिलेजिनस सीथ एब्सेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 44 है, आयोडीन इज ऑब्टेन फ्रॉम। आयोडीन किससे प्राप्त होता है? लैमिनेरिया से, पॉलीसाइफोनिया से, चारा से एंड स्पायरोगायरा से। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लैमिनेरिया से फाइंड आउट होता है। क्वेश्चन नंबर 45 इज दैट आयोडीन इज ऑब्टेंड फ्रॉम। आयोडीन किससे मिलता है? ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी एंड येलो एल्गी। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इट्स ऑब्टेंड फ्रॉम ब्राउन एल्गी। क्वेश्चन नंबर 46 है, विच फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कौन फिक्स करता है? ब्लू ग्रीन एल्गी, लीवरवर्ट्स, बैक्टीरियोफेज एंड स्फैगनम। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 46 का, ए सही हो जाएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी। क्वेश्चन नंबर 47, डायएटम्स आर नॉट डिस्ट्रॉयड इजली लाइक अदर एल्गी बिकॉज। डायएटम्स इजली डिस्ट्रॉयड नहीं होते हैं अदर एल्गी जैसे की वजह से। क्यों? क्योंकि ऑफ सिलिशियस वॉल दे आर नॉन लिविंग, ऑफ सिलिरोज वॉल दे हैव अ कवरिंग ऑफ म्यूसिलेज। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑफ सिलिशियस वॉल। क्वेश्चन नंबर 48 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48 इज दैट टाइप ऑफ जाइगोस्पोर इन यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स का जो जाइगोस्पोर होता है वो होता है क्या? क्वेश्चन 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्वाड्रीफ्लैजेलेट। उस अर्थात उसमें जो फ्लैजेला होंगे वो फ्लैजेला संख्या कितने होंगे? चार होंगे। क्वेश्चन नंबर 49 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव अ प्रोकैरियोटिक सेल। इसमें से कौन सा ऐसा है जो प्रोकैरियोटिक सेल रखता है? स्पायरोगायरा, एस्केलेटोरिया, क्लाइडोफोरा एंड क्लाइमाइडोमोनास। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एस्केलेटोरिया। क्वेश्चन नंबर 50 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव एल्गल जोन। इसमें से कौन है जिसमें एल्गल जोन होते हैं? तो राइट आंसर है कोलोराइड, कोरोलाइड रूट ऑफ साइकस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 51, एगर एगर इज ऑब्टेन फ्रॉम। एगर एगर प्राप्त होता है अलवा से, यूरोथ्रिक से, सरगेसा में, जिलेडियम से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जिलेडियम से। क्वेश्चन नंबर 52 है, द लार्जेस्ट एल्गा इज अलवा, चारा, माइक्रोसिस्टिस एंड माइक्रोसाइटिस। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोसाइटिस। क्वेश्चन नंबर 53 है, रेड स्नो इज कास्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इन अल्पाइन रीजन। अल्पाइन रीजन में रेड स्नो किसके वजह से दिखाई देता है? एस्केलेटोरिया, हेमाटोकोकस, ट्राकोस्पर्म एंड सार्गेसम। क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हेमाटोकोकस। क्वेश्चन नंबर 54 है, जायगोट इन विच डिवाइड्स बाय द माइटोटिक डिवीजन। इसमें जायगोट माइटोटिक डिवीजन से बनता है, एल्गा में, ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म में। तो क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एल्गा में। क्वेश्चन नंबर 55 पे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर
55 है दोस्तों, ऑल एल्गा हैव क्लोरोफिल ए एंड बी, सभी एल्गा में क्लोरोफिल ए एंड बी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ग्रीन प्लांट विदाउट रूट स्टेम एंड लीव्स, ग्रीन प्लांट विदाउट रूट स्टेम एंड लीव्स बट विथ अ सिंपल यूजुअली फिलामेंटस प्लांट बॉडी आर कॉल्ड, ऐसा प्लांट जिसमें रूट स्टेम लीव्स नहीं होता और उसे क्या फिलामेंटस बॉडी होती है, उसे क्या कहें, थैलस कहते हैं, माइसीलियम, हाइफी एंड कॉर्न कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इट्स नोन एज थैलस। क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग सो हेट्रोट्राइकस हैबिट, इसमें कौन ऐसा प्लांट है जो हेट्रोट्राइकस हैबिट को शो करता है, स्टेजियो क्लोनियम, क्लाइडोमोनास, ओडोगोनियम, यूलोथ्रिक्स। 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेजियो क्लोनियम। क्वेश्चन नंबर 58 है दोस्तों, म्यूसिस इन यूलोथ्रिक्स टेक्स प्लेस, यूलोथ्रिक्स में जो म्यूसिस होता है वो होता है एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन ऑफ जाइगोट, एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टू स्पोर इन द फिलामेंट सेल। क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन ऑफ जाइगोट। क्वेश्चन नंबर 59 है, विच एमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी में कौन है, केसी मेहता, एफी फ्रिज, प्रोफेसर एम ओ पी अयंगर, सर जे सी बोस। क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोफेसर एम ओ पी अयंगर। क्वेश्चन नंबर 60, एन अलगा विच इज रिच इन प्रोटीन, इसमें कौन सा एल्गा है जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, यूरोथ्रिक्स होता है, स्पायरोगायरा, नोस्टोक एंड क्लोरेला। क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्लोरेला। क्वेश्चन नंबर 61 है, विच आर व्हाट आर साइनोबैक्टीरिया, इसमें साइनोबैक्टीरिया कौन है, मिक्सोफाइसी, मिक्सोमाइसिटीज, मिक्सोप्लाज्मा एंड साइजोमाइसिटीज। क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इट्स अ मिक्सोफाइसी। क्वेश्चन नंबर 62, द क्लोरोप्लास्ट ऑफ क्लाइमेडोमोनास आर, क्लाइमेडोमोनास का जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्या होता है, गर्डल सेप होता है, कप सेप होता है, स्पाइरल होता है, रेटिकुलेट होता है। क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कप सेप्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 63, द फ्लैजिला ऑफ क्लाइमेडोमोनास आर, क्लाइमेडोमोनास का जो फ्लैजिला होता है वो रेप्लास्ट टाइप होता है, टेंसल टाइप, मे बी ए टाइप और बी टाइप, एब्सेंट। क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इट्स अ विप्लेस टाइप। क्वेश्चन नंबर 64 होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 64 इज दैट द फोटो रिसेप्टर फाउंड एट द इंटीरियर एंड ऑफ द क्लाइमेडोमोनास, क्लाइमेडोमोनास में जो फोटो रिसेप्टर होता है वो इंटीरियर एंड पे होता है, वो क्या होता है, स्टिग्मा, आई स्पॉट, स्टिग्मा और आई स्पॉट, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टिग्मा और आई स्पॉट। क्वेश्चन नंबर 65, विच टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन क्लाइमेडोमोनास डेब्रेनियन, आपके पास चार ऑप्शन है, आइसोगैमस, एनआइसोगैमस, ओगैमस एंड नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आइसोगैमस। 66 है, विच टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन क्लाइमेडोमोनास ब्राउनी, क्लाइमेडोमोनास ब्राउनी में किस प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, तो आपके पास चार ऑप्शन है, आइसोगैमस, एनआइसोगैमस, ओगैमस, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 66 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एनआइसोगैमस। क्वेश्चन नंबर 67, विच टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फाउंड इन क्लाइमेडोमोनास कोसीफेरा, विच टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लाइमेडोमोनास कोसीफेरा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इट्स अ ओगैमस टाइप का, क्या होगा यहाँ पे ऑप्शन, ओगैमस टाइप का। क्वेश्चन नंबर 68 है, क्वेश्चन नंबर 68, अ सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी ऑफ वॉलवॉक्स इज, वॉलवॉक्स की जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी होती है वो क्या होती है, डाटर कोइनोबियम, ओ स्पोर, हेपनो स्पोर, परमेला स्टेज। 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डाटर कोइनोबियम। क्वेश्चन नंबर 69 है दोस्तों, विच टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन वॉलवॉक्स, वॉलवॉक्स में किस प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, आइसोगैमस, एनआइसोगैमस, ओगैमस, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इट्स अ ओगैमस टाइप। क्वेश्चन नंबर 70 एंड क्वेश्चन नंबर 140, इसे आप इस क्वेश्चन को, चाहे क्वेश्चन नंबर 70 कहिए या क्वेश्चन नंबर 140 कहिए और लास्ट क्वेश्चन कहिए इस वीडियो का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एज सेल ऑफ वॉलवॉक्स कॉलोनी हैज अ स्ट्रक्चर सिमिलर टू, वॉलवॉक्स कॉलोनी का जो स्ट्रक्चर होता है ये प्रत्येक सेल का वो क्या होता है, मीन्स क्या था, वॉलवॉक्स कॉलोनी में जो प्रत्येक सेल होते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या है, यूलोथ्रिक्स टाइप का, स्पायरोगायरा, क्लाइमेडोमोनास एंड नोस्टॉक,
क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इट्स अ क्लाइमेडोमोनास। दोस्तों यहां तक आज हमने आपको 140 क्वेश्चन करवा दिए हैं एलगी के, और इसके बाद अब कल जो वीडियो आपको मैं आपके लिए अपलोड करूंगा वहां मैं आपको जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं वो सभी क्वेश्चन को हम एक साथ लेके आएंगे, लगभग वो आपके भी 100 क्वेश्चन के आसपास होंगे। तो दोस्तों वीडियो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन की महत्ता को समझिए, और वीडियो अच्छा लगे